भारत की अंजू जो पाकिस्तान चली गई, इस मामले का लगातार ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है। और वो राजस्थान से अंजू थी जो पाकिस्तान चली गई वीज़ा लेके, उसके बाद वहाँ पर नसरुल्ला से जब उनके तस्वीरें सामने आई उनके साथ, तो तोहफों की बारिश हो गई अंजू के लिए। आपको बता दें कि तोहफे दिए गए हैं और 40 लाख का फ्लैट ऑफर किया गया है, और जिसने ऑफर किया है वो हमारे साथ जुड़े हैं, मोहसिन खान अब्बासी, जो पाकिस्तान से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तानी युवा नेता हैं आप, पाकिस्तान के जो स्टार ग्रुप ऑफ कंपनी है उसके मालिक भी हैं। मोहसिन साहब, क्या लगती है अंजू आपकी, इतनी तोहफों की बारिश क्यों? जी बहुत शुक्रिया आपने वक्फ सुनने के लिए मुझे ऐड किया। अगर आप ये कहना चाहती हैं कि अंजू इस वक्त हमारी क्या लगती हैं, तो हमारी बहन है, सिस्टर है, और अपनी बहन और सिस्टर को जितने तोहफे दिए जाएं वो कम है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी छोटी सी हमारी काविश थी कि एक बहन जो हिंदुस्तान से सफ़र करके पाकिस्तान आती हैं, तो उनको वेलकम करने के लिए, उनको खुश आमदीद कहने के लिए हमारी कंपनी की तरफ से, PSG की तरफ से छोटा सा गिफ्ट दिया गया। अभी इब्तिदा है, आगे आप देखें इंशाल्लाह ये दुनिया की तारीख का एक ज़बरदस्त, एक रिस्पेक्टेबल इस्तकबाल होगा इनका, और इंशाल्लाह तआला ये तोहफों का सिलसिला भी आगे चलता रहेगा। लेकिन मोहसिन साहब, इतना महंगा आप तोहफा दे रहे हैं, अगर यही बहन इस्लाम कबूल नहीं करती तो तब भी आप देते? देखें बुनियादी तौर पे तो आप ये कहें कि मजहब जो है वो तो ठीक है, इंसान का एक पर्सनल वो होता है कि लाइक अनलाइक वो करता है और उस हिसाब से उसको ज्वाइन करता है। मैं जो इस टाइम आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे जो आबो अजदाद थे, पहले तो पाक व हिंद एक होता था, लेकिन उस उन अदवार के अंदर भी जब आप हिजरत करके दूसरे इलाके में जाते थे तो वो आपको, लेकिन मोहसिन साहब ये बात हजम नहीं हो रही है क्योंकि विवाद बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अंजू जिस तरह से पाकिस्तान में आई, उनके पति काफी सवाल उठा रहे हैं, और नसरुल्ला से ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि अंजू इस बात को नकार रही है कि कोई शादी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की तोहफों की बारिश हो रही है, आपने तो ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर दे दिया है, आप ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली तो घर बैठे आपको सैलरी मिलेगी, ये सब क्यों, कौन लगती है आपकी? जी मैंने आपको ये तो बताया है कि मेरी सिस्टर है, वो एक बहन है मेरी, और ये हम क्यों कर रहे हैं इसका मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ हमारी रवायात में ये चीजें शामिल हैं। हमारे जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो भी इसी तरह करते थे। जब कोई मेहमान आता था कभी उसको खाली हाथ वापस जाने नहीं देते थे, और कोई मेहमान अगर हिजरत करके आ जाए तो उसके लिए तो सब कुछ हाजिर होता था। मतलब शादी कर ली है नसरुल्ला से, शादी कर ली है, निकाह कर लिया अंजू ने? जी जी ये तो आप अंजू से पूछे, आपके साथ उनका रابطہ भी नहीं, अच्छा। आपने इतने महंगे तोहफे दिए हैं, तो जो तोहफा जिस उपलक्ष में दिया जाता है, कोई चीज बड़ी होती है तभी तोहफा दिया जाता है, आपने इस तरह गरीबों की मदद की है कभी? जी जी बहुत दफा की है। हमारे यहाँ मुस्तकिल पाकिस्तान एक जबरदस्त इस एक्टिव कंट्री है, हम चैरिटी करते रहते हैं, और पाकिस्तान में कभी भी कोई इस तरह की मुश्किल हालात आप देखें तो उसमें सबसे ज्यादा जो चैरिटी है वो पाकिस्तानी अवाम खुद करती है एक दूसरे के लिए, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता मोहसिन साहब आप हवा दे रहे हैं विवाद को इस तरह से महंगे महंगे तोहफे देकर? मुझे ये लगता है कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में प्यार मोहब्बत बढ़ा रहा हूँ, और मैं ये दावत दे रहा हूँ कि जो लोग भी पॉजिटिवली कोई किरदार अदा करें किसी कंट्री का या किसी नेशन का, कोई पॉजिटिव फेस है तो उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर तनकीद करें हम। तो आप प्रमोट इस बात को कर रहे हैं कि उन दोनों ने शादी कर ली है और शादी का तोहफा दिया आपने, आप इस बात को प्रमोट कर रहे हैं? देखिये मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो मेहमान है, और मेरे पास कोई भी मेहमान आता है तो हम उसको उसी तरह से उसका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप ये कहती हैं कि शादी का तोहफा है तो उनकी शादी जो पाकिस्तान में फिर तो मोहसिन साहब ये तो ऐसा बात हो गई कि आशंका बढ़ गई कि अंजू वापस नहीं आएगी फिर पाकिस्तान से भारत, उसका परिवार वेट कर रहा है, उसके बच्चे वेट कर रहे हैं, उनके पति काफी सवाल उठा चुके हैं, और जो ये विवाद पनपता जा रहा है और आपने इसको हवा दे दी है इस तरह के बड़े बड़े तोहफे देकर। अच्छा पाकिस्तान इतना खूबसूरत और इतना जबरदस्त कंट्री है कि यहाँ जो कोई आता है वापस नहीं जाता, हमारी तो हमने पढ़ा सुना यही है, लगता तो यही है कि वापस नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, और यहाँ पे उनको बड़ा जबरदस्त प्यार मिलेगा, उनको कोई याद नहीं आएगा, नहीं तो बहरहाल हमने उनका हर लिहाज से ख्याल करना है। आप ये कह रहे हैं कि वो वापस नहीं जानी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, वो पाकिस्तान आई है तो ये इतनी जबरदस्त लोग यहाँ पे रहते हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं, और वो जो नसरुल्ला है आप उनको देखें,
इतना खूबसूरत बंदा आपको हिंदुस्तान में कोई एक दो ही मिलेंगे, इतना प्यारा आदमी है वो। आप जानते हैं नसरुल्ला को, पहले से जानते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मेरी फर्स्ट मुलाकात है, लेकिन मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। बड़ा खूबसूरत और बड़े लंबे कद का आदमी है वो, और बड़ा जबरदस्त बंदा है वो, और मजे की बात यह है कि अनमैरिड है वो। तो मोहसिन साहब, पहली मुलाकात में ही आप नसरुल्ला को नहीं जानते हैं, आप कह रहे हैं ये मेहमान नवाजी है हमारी, और मेहमान के हम इसी तरह से सलूक करते हैं मेहमान के साथ कि उनको तोहफे देते हैं, लेकिन तोहफा भी 40 लाख का फ्लैट आपने दिया है। आप जिसे जानते नहीं है, पहली बार मिल रहे हैं, उसको 40 लाख का फ्लैट दे देंगे? आपको ये अंदाजा है कि जब आपके पास इतने दूर दराज से कोई गस्त चल के आए और इतनी दुश्वारियों का सामना करके आए, तो उसके लिए 40 लाख रुपए का फ्लैट कोई माने नहीं रखता। हमारे बस में हम इससे बढ़ के करें, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। तो वो बड़ी मुश्किलात का उन्होंने सामना किया। 2017 से वो इस ट्राई में थी कि पाकिस्तान का उनको वीजा मिल जाए, देन उनको वीजा मिला, उन्होंने ट्रेवल किया। तो ये बड़ी छोटी चीज है। आप ये कह रहे हैं मोहसिन साहब, मोहसिन खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर नागरिकता ले लेती हैं या अप्लाई करती हैं अंजू पाकिस्तान की, तो फिर आप घर बैठे उन्हें सैलरी भी देंगे, आप ये कह रहे हैं? 100% को एज ए ब्रांड एम्बेसडर लेंगे, और बिल्कुल हम उनको सैलरी देंगे, हम उनको ऑफर करके आए, और उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो PSG जो है उनको ऑन करेगी, उनको बिल्कुल सैलरी भी देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम उनको पाकिस्तान के जो फेडरल इस्लामाबाद, यहाँ पे उनको शिफ्ट करें। तो मोहसिन साहब, क्योंकि वीजा जब लगता है किसी भी देश का, तो तय समय सीमा के आधार पर ही लगता है, तो अगर अंजू वापस चली जाती हैं, भारत आ जाती हैं, तो 40 लाख का फ्लैट आप ले लेंगे या रहने देंगे उसके पास? देखें, ये तो खदशात हैं, आपके खदशात हैं, मेरा दिल ये कहता है और मेरा बिलीव ये है कि वो वापस नहीं आएंगी आपके हिंदुस्तान, पाकिस्तान रहेंगी, और इस तरह के बहुत सारे प्लॉट उनको मिलेंगे। फिर भी मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ मोहसिन साहब, ये किस तरह का जेस्चर्स है जो पहली बार आती है पाकिस्तान और अपने प्रेमी से मिलने आती है, खबरें शादी तक हैं अभी, हालांकि उसका खंडन कर रही है, और आप पहली मुलाकात में इतना बड़ा तोहफा दे देते हैं, उसे ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं? देखिए, ये तो मतलब मैं तो ये सवाल पूछूंगी बॉलीवुड फिल्म में, जैसे पूछा जाता है हम आपके हैं कौन, आपके हैं कौन अंजू और नसरुल्ला? देखिए, आप हमारे अपने हैं, हमें गैर ना समझें, और जो अंजू है वो मेरी बहन है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, उसने मेरी कंट्री में आई, और उसकी जो आपने बात की अंजू से, अंजू से बात की बिल्कुल 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 की मैं गया हूँ उनसे मिला, मैं उनका घर देखा, और जो नसरुल्ला है उनकी सारी फैमिली से मिला, और ये सारी क्या कहा अंजू, अंजू और नसरुल्ला ने आपसे क्या कहा? वो इतना जबरदस्त खुश है कि मैं उस खुशी का अल्फाज में आपके सामने नहीं बयान कर सकता, बड़े हैप्पी है वो। शादी कर चुके हैं? शादी के हवाले से मेरी कोई डिटेल डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन इतना है कि वो बड़े हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं वो। आप मिलने गए और ये बताया नहीं उन्होंने कि शादी की है? नहीं, देखिए मेरे साथ डेलीगेशन होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, और मुझे जो क्वेश्चन मुनासिब लगता है तो मैं वहां पे करता हूँ, लेकिन इतना है कि वो उनकी जो लाइफ है उसके अंदर बड़ी जबरदस्त तब्दीली है, और वो अपनी इस वाली लाइफ से बड़े बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। आप जब मिलने गए तो नसरुल्ला का परिवार था वहां पर? जी जी, सारी फैमिली थी उनकी, उनके भाई थे वहां पे, और नसरुल्ला क्या कह रहे थे? नसरुल्ला क्या कह रहे थे? वो ये जाने नहीं देंगे अंजू को, ये कहा उन्होंने? कह रहे थे कि मैं जो है ना, मैंने बड़ी 3-4 साल मेहनत के बाद और बहुत काविश के बाद जो है ना अंजू को यहाँ तक मैं लाया, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि अंजू वापस चली जाए। और उसने कहा हम पठान है, और पठान जो है वो बड़े बावफा कौम होती है, तो आप ये सोचे भी नहीं कि अंजू को जो है ना मतलब किसी वजह से भी वापस जाएगी। मोहसिन साहब, एक इल्जाम लग रहा है कि ये दरअसल एक साजिशन हो रहा है, भोली भाली लड़कियों को फंसाने का काम कर रही है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, और इस तरह गुमराह करके उनको पाकिस्तान बुलाया जा रहा है। ये वैसे ही गलत बात है कि ISI जो है ना या कोई एजेंसी लड़कियों को फंसा के यहाँ लाती है, लड़की के जब मन करता है वो जाती है। लेकिन मोहसिन साहब, सीमा हैदर आप जानते होंगे, वो पाकिस्तान से भारत आ गई, कई तरह के इल्जाम उसने लगाए कि वहां पर हालत क्या है पाकिस्तान में लड़कियों की, फिर अंजू अचानक से पाकिस्तान चली जाती है, अब तक खुलासा नहीं हो पा रहा है, ये इसकी जो बीच की कड़ी है ये समझ में नहीं आ रही, क्या वाकई साजिश है, ऐसा कुछ है? क्योंकि आरोप तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर। अच्छा देखें, मैं ये समझता हूँ कि कतई तौर पे ऐसा नहीं है, एजेंसीज के काम जो है वो अलग से होते हैं और वो उस पर वर्किंग भी करती है, लाइक उनकी फाइट होती है, बाकी चीजें होती है। ये जहां तक आवाम का मामला है कि एक कंट्री की लड़की अदर कंट्री के लड़के को लाइक कर ले, तो ये कोई कबाहत नहीं है। आप पाकिस्तान को स्टडी अगर करती हैं
तो यहाँ पे अमेरिकन लड़कियां आ चुकी हैं, यहाँ पर यूनानी लड़कियां आ चुकी हैं, पाकिस्तान में चाइनीज लड़कियां आ चुकी हैं। पाकिस्तान में तो हर महीने 2-4-6 लड़कियां आती हैं। अच्छा, वो जिस इलाके में आती हैं वो पूरा इलाका बड़ा हैप्पी होता है, उनको गिफ्ट देता है, उनके साथ आगे बड़े जबरदस्त। मोहसिन साहब, आप जो पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं वो सीमा हैदर का अगर बयान सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो तो बहुत कंप्लेन कर रहे थे कि पाकिस्तान में तो रहने लायक हालात नहीं है, इसीलिए मैं भागकर वहां से आ गई। बहरहाल, एक आखिरी सवाल मोहसिन साहब, ये जो आपने तोहफे दिए हैं, 40 लाख का फ्लैट दिया है अगर नागरिकता हासिल कर लेती हैं अंजू तो फिर आप घर बैठे उन्हें सैलरी देंगे, ये वाकई मेहमान नवाजी का तोहफा है कि पाकिस्तान मेहमानों को इस तरह ट्रीट कर रहा है, या फिर झुंझुना पकड़ाने की कोशिश है कि आप रुक जाइए पाकिस्तान और आप रुक जाएंगी तो ये तोहफे देखिए हम आपके लिए लेकर आए? नहीं, ऐसा कथित तौर पे नहीं है, बुनियादी तौर पे ये मेहमान नवाजी है और हम लोग हैं ही ऐसे। पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त मेहमान नवाज कंट्री है, यहाँ की आवाम भी ऐसे ही है। ये जिस इलाके के अंदर इनकी ये आई है दीर के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर ये इलाका बहुत ज्यादा मारूफ है मेहमान नवाजी में। यहाँ अगर आप कभी आपका जिंदगी में चक्कर लगे, बल्कि मैं आपको दावत देता हूँ, आप भी थोड़ा इलाके के कौन सा इलाका है बताइए, थोड़ा बताइए इलाके के बारे में। ये दीर जो है हमारा केपी के खैबर पख्तूनख्वा हमारा एक सूबा है और उस सूबे का ये डिस्ट्रिक्ट है अपर दीर, जहाँ पे इनकी जो अंजू आई हुई है उसके पास, लड़के के पास। तो ये जो इलाका है बड़ा जबरदस्त इलाका है, खूबसूरत इलाका भी है और ये बड़े तो ब्लास्ट भी हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। देखिये, बिल्कुल ब्लास्ट भी हुआ है, कल की बात है, वो बड़ा अफसोसनाक वाकया है और हम समझते हैं कि वो तकलीफ दे अमल है। ये सिलसिला चाहे दुनिया का कोई भी खिताब खत्म होना चाहिए, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भी अगर कोई भी अदर कंट्री से आए, कोई दूसरी नेशन से कोई बंदा आए तो बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट है यहाँ पे और उसको बड़ा पॉजिटिवली हम लोग देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। मोहसिन खान अब्बासी, पाकिस्तानी युवा नेता और जिन्होंने फ्लैट ऑफर किया अंजू को और तोहफे में 40 लाख का फ्लैट दिया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो हमारे साथ जुड़े थे और कह रहे थे कि हम अंजू की खिदमत कर रहे हैं और मेहमान नवाजी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए।